ये एक्स शोरूम प्राइस जो आपको मिलता है 3,09,400, ऑन रोड प्राइस आपको मिलता है 3,67,172 रुपये, डाउन पेमेंट मात्र आपको 1,10,151 रुपये। तो 4 सालों में इसका जो ईएमआई आपको मिलने वाला है 6,594 रुपये, 3 साल में आपको जो पे करना पड़ेगा 8,378 रुपये। तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर कुंडा राइडर में। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का कमेंट्स बहुत आ रहा था कि KTM 390 लाइए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे सामने लगी हुई है KTM 390। और सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे, मिनिमम डाउन पेमेंट कितना होने वाला है, इसका प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस है, मिनिमम क्या डाउन पेमेंट दे के आप घर ले जा सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। साथ ही इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको चारों तरफ पर लुक दिखा दे रहे हैं जिससे आपको जज करने में आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की। तो रांची में इसका जो एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलने वाला है वो 3,09,402 रुपये आपको यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस मिल जाएगी। और साथ ही बात करें ऑन रोड प्राइस की, तो ऑन रोड प्राइस जो आपको मिलने वाला है 3,67,172 रुपये आपको यहाँ पे ऑन रोड प्राइस मिल जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपडेट के बारे में बात कर देते हैं, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है, उसके बाद फिर फाइनेंस डिटेल कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट से। तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट से, फ्रंट का लुक कुछ इस प्रकार का मिलने वाला है आपको। तो जैसा ही इग्निशन देते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको DRL देखने को मिल जाती है, जो कि पुराना मॉडल था उसमें DRL आपको इधर दिखती थी, बट ये जो है एकदम मस्कुलर आपको मिलने वाला है। हेडलैम्प आप देख सकते हैं LED में हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, ये आपको DRL देखने को मिल जाती है। और ये हमारा इंडिकेटर देख सकते हैं जो कि LED में मिलती है, और काफ़ी बेहतरीन लुक भी है। फ्रंट का लुक जो हम देख रहे हैं ये आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं साइड से, तो ये आप देख सकते हैं टेलीस्कोपिक अप एंड डाउन फोक सस्पेंशन मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल मिलती है, तो कोई चाबी का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, ये यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और सस्पेंशन भी आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है। और बात करते हैं एलॉय की, तो एलॉय भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलने वाला है, ये आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में। और बात करते हैं टायर की, तो 110/70x17 का आपको टायर मिलने वाला है, जो कि रेडियल टायर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये हमारा मडगार्ड हो गया, मडगार्ड भी आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और डुअल चैनल ABS के साथ आती है ये। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड से भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलने वाला है। जो साइड की फेयरिंग देख रहे हैं वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिलने वाला है, ये आप देख सकते हैं ड्यूक की ब्रांडिंग यहाँ, और ये आप 390 की ब्रांडिंग देख सकते हैं यहाँ पे। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की, तो मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको लुक मिलने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा इंजन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको इंजन मिल जाता है 399 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल FIDOSC के साथ आती है ये। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 46 PS की पावर मिलती है 8,500 RPM पे, और साथ ही टॉर्क की बात करें तो 39 Nm का टॉर्क मिलता है 6,500 RPM पे। ये हम देख सकते हैं टैंक जो है, इसमें आपको 15 लीटर का टैंक मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं E20 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और साथ ही ये हमारा साइड का प्रोफाइल आप देख सकते हैं, साइड से भी आपको काफ़ी बेहतरीन है, और रियर की भी प्रोफाइल आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं रियर की प्रोफाइल कुछ इस प्रकार की आपको मिलने वाली है। तो ये थोड़ा सा भाई लोग कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ कर लेंगे इसके तेल की, तो ये जो वार्ड ढूंढे रहे हैं वो अपना सोच के ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी राट ऑलरेडी मिल जाती है। साथ ही बात करें रियर टायर की, तो रियर टायर आपको मिलने वाला है 150/60x70 सेक्शन का रियर टायर आपको मिलने वाली है, इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। और ये हमारा साइड का प्रोफाइल आप देख सकते हैं, तो ये हमारा देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल,
जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको मिलने वाली है। चार मोड मिलते हैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड स्टैंड लगी हुई है, उसका इंडिकेटर आपको मिल जा रहा है। यह हमारा इंजन चेक लाइट ABS की, यहाँ लो फ्यूल है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, ट्रिप आप देख सकते हैं। और बात करते हैं इसकी, चेंज करते हैं, यह आप देख सकते हैं कुछ फीचर्स आपको मोटरसाइकिल राइडिंग मोड ABS ऑफ कर सकते हैं आप। लॉन्च कंट्रोल भी आपको इसमें मिलने वाली है। बात करें राइट साइड की तो ये आप देख सकते हैं इंजन कटआउट स्विच आपको कुछ अलग देखने को मिल जाता है। ये हमारा सीट देखने को मिल जाता है और ये हमारा हज़ार मिल जाती है और ये कंट्रोल बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये हमारा इंडिकेटर और ये हॉर्न देख सकते हैं आप। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डाउन पेमेंट के बारे में कि आप मिनिमम कितना डाउन पेमेंट अगर दे रहे हैं तो आप घर ले जा सकते हैं। तो फिर से आपको एक बार बता दें कि एक्स शोरूम प्राइस जो आपको मिलता है 309,402 रुपये, और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो रांची डिस्ट्रिक्ट में ऑन रोड प्राइस आपको मिलता है 367,272 रुपये मिल जाता है। डाउन पेमेंट मात्र आपको 110,151 रुपये अगर आप कर रहे हैं तो आप ये गाड़ी घर ले जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि EMI जानना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कर दिया वीडियो पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि 4 सालों में इसका EMI जो है वो कितना कैलकुलेट होके आएगा। तो 4 सालों में इसका जो EMI आपको मिलने वाला है 6,594 रुपये। साथ ही बात करें 3 साल की, अगर आप 3 साल का EMI करवाना चाहते हैं तो 3 साल में आपको जो पे करना पड़ेगा 8,378 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल का EMI करवाना चाहते हैं तो 2 साल में आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है, बट EMI जो है वो 11,998 रुपये मिलने वाला है। अगर आप 1 साल का करवाना चाहते हैं तो 1 साल में इंटरेस्ट भले ही आपको कम लगे लेकिन EMI आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो EMI अगर आपको कम करवाना है तो आप 3 साल का चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट कम देना चाहते हैं तो 1 साल में आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा वो 22,858 रुपये मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी EMI पसंद है, आपके पॉकेट में सूट कर रही है, वो EMI आप चूज़ कर सकते हैं। तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिले हमारे चैनल पे। तो मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।